नमस्कार। आज अन्ना फाउंडेशन की ओर से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक कवित्री श्रीमती सविता रानी ओमिया। मैम स्वागत है आपका। और सवाल तो मेरे कुछ नए नहीं होंगे, लेकिन हाँ शख्सियत आपकी हमारे लिए नई है, तो इसलिए जानना चाहेंगे उसी उपलक्ष्य में कि इस जो काव्य का संग्रह है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो बस काव्य का लिखने का तभी से शौक रहा है, एक हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो हिंदी में लिखना और जैसे कहीं पर किसी भी समारोह में दो चार पंक्तियाँ बोलती सब कहते अच्छा लिखते हो लिखो, तो दोस्तों ने प्रेरित किया कहा और फिर कुछ कविता संकलित हो गई, तो सोचा कि अभी इनको सुनवा के देखते हैं कैसा। तो क्या आप हिंदी में, जैसे हिंदी आपने पढ़ी है, तो हिंदी का हिंदी पढ़ाती थी किस लेवल पर? मैं छठी से दसवीं तक हिंदी पढ़ाती साल हो गए मुझे। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा संयोग है कि जिस भाषा में आपका आपकी रुचि है, प्रिय विषय है, वही आप पढ़ा भी रही हैं। इसमें एक चीज, मैंने आपकी बुक का अध्ययन किया और इसमें मैंने शुरुआत में ये पाया कि आप अमृता प्रीतम जी से प्रभावित लगती हैं। कोई खास वजह इसकी? क्योंकि और भी बहुत सारी कवित्री और लेखिकाएं हुई हैं, उन्होंने सच लिखा है, उन्होंने उनकी जितनी कहानियां हैं वो सारी सच पर आधारित उनकी कविताएं हैं। और एक औरत का जो नारीत्व है, जो उन्होंने जितना लिखा है शायद किसी ने नहीं लिखा। मतलब आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने इधर उधर घुमाने की कोशिश नहीं की अपने लेखन में, बिल्कुल सत्य लिखा, कोई लाग लपेट नहीं है। उनकी कहानियों में जो पात्र होते थे उनका नाम बदल देती थी, बाकी हकीकत से कभी कोई कहानी काल्पनिक नहीं, उन्होंने हमेशा बोलते जुटते कहीं पर किसी की भी सत्य कहानियां लिखी, उनकी कविताओं में भी उनका भाव और बिल्कुल सत्य था। उससे आपको प्रेरणा मिली। और बाकी आपके जो दोस्त रहे या समाज में आपके आस पास परिवारजन रहे, उन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जैसे मैं देख रहा था आज की राधा, आपने एक कविता का शीर्षक दिया है, उससे पहले ये जानना चाहूंगा नारी प्रेम की पीर, इसमें पीर का मतलब तो बहुत से होते हैं लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर पीड़ा है, ये पीड़ा एक सखी ने नाम दिया था। जब जैसे कविता कई सहेलियां हम लिखती हैं, तो जब भी मैं लिखती हूँ हमेशा ही आप पीर लिखते हो, जब आपकी किताब छपेगी तो उसका नाम हम प्रेम की पीर रखेंगे। फिर मैंने कहा प्रेम की पीर तो गदानंद की, इतने महान कवि के साथ उनका नाम कैसे दे, तो नारी मन को लिखा, इसलिए नारी इसके साथ जोड़ दिया नारी प्रेम की पीर। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ कि नारी केंद्रित ही है अधिकांश। आज की राधा आपने जो ये कविता लिखी है, ये मैंने पढ़ी, इसमें एक तुलनात्मक आपने वो किया है जो राधा के बारे में हम जानते हैं अपनी संस्कृति के लिहाज से, राधा और कृष्ण की लीला के बारे में, उसको आपने आज के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक रूप से थोड़ा चित्रण किया है, थोड़ा सा उसको उसके लिए आपको कहाँ से अंदर से वो मिला कि जैसे मैं तो कृष्ण की वृंदावन जाना मथुरा जाना बहुत अच्छा लगता है, और हमारे जैसे यहाँ कॉलोनी में मित्र मंडली है, मंदिर में मंडली है, वो जाती रहती है, और वहाँ मैं साधारण औरतों को देखती हूँ, उनकी आंखों में तो सुबह जाते हैं, उनकी आंखों को उनके भाव देखने के लिए जाती हूँ मैं वहाँ, कृष्ण तो है या नहीं है, परंतु वो कृष्ण से मिलने को इतनी उत्सुक होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि क्योंकि ये राधा से कम भाव नहीं है किसी के लिए, हर कोई राधा है, बस वो ये कि शायद भावना ही है क्या है कि हम भी तो उतना ही प्रेम करते हैं जितना राधा करते, और वो सब नाचती गाती जाती है, मेरे को उसमें ही आनंद आता है, उनकी तल्लीनता देखने में आपको आनंद की अनुभूति, और सचमुच उनको ऐसा लगता है वो देखते ना कृष्ण कि मेरे को इतने अच्छे दर्शन हुए, तो यूं लगता है कि सचमुच ही कृष्ण से मिल के आई। तुमने कहा था मैं आऊंगा, मैं इंतजार करती रही, तुमने कहा था मैं निभाऊंगा, मैं एतबार करती रही, इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बताना चाहेंगी? बस वही है कि औरत को पुरुष से वो जब भी प्रेम में कह देता है कि वो सत्य मान लेती है कि वो सत्य है, और अक्सर ऐसा होता है सत्य नहीं होता, तो ये छलावा होता है, छलावा ही होता है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा ही होता होगा? नहीं ऐसा, ये बस वो जिसके साथ जो जिसने अनुभव किया। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने लिखा है मुलाकात के बारे में, चलना एक मुलाकात फिर से रखते हैं, इस दफा सलीके से अलग हो, नया रेशमी कुर्ता इस्तरी किया है अभी, बिछुड़ने के बहाने मुलाकात हो जाए कभी, ये जो मैं समझ पाया हूँ कि
किसी से, जैसे हम किसी से अलगाव हो चुका है और उसको हम याद कर रहे हैं, उसको अपने मन ही मन में आप कह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। वही कि प्रेम का असलियत ही है पीड़ा, अगर प्रेम में पीड़ा नहीं मिली तो प्रेम कभी, जैसे मीरा का प्रेम नहीं चलेगा या राधा का था, जिसमें भी विरह होगा प्रेम का पूर्ण ही तब होता है, विरह अवश्य है उसको। प्रेम का दूसरा नाम की विरह है, विरह की पीड़ा वही उसको ऊपर तक उठाता है। देखिये मैं आपको बधाई देता हूँ तहे दिल से कि इसको पढ़ने के बाद मैं स्वयं और मेरे ख्याल से जो भी पाठक इसको पढ़ेगा वो अपने आप को इससे जोड़ पाएगा, इसमें जो शब्द आपने इसमें पिरोए हैं वो सब की भावनाएं, एक किसी कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। एक अभी आजकल बड़ा प्रासंगिक सा आपने लिखा था कोरोना पर, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी बड़ा आपने मुझे लगता है लॉकडाउन के दौरान जो महसूस किया जो अश्वत्थामा ने बाद में उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए तीर छोड़ा था, उसी तरह प्रकृति के साथ हमने जो बुरा किया है कि हमें पांडवों का पक्ष पता है, कौरव भी पूरे गलत नहीं थे, तो उन्होंने अंतिम बार वही छोड़ा था और उसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि जो जहाँ है वो वहीं पे ठहर जाए, तो उस प्रसंग के उसमें मैंने इसको लिखा था कि जैसे अश्वत्थामा के छोड़े हुए तीर को श्री कृष्ण ने कहा था कि ठहर जाओ वो अपने आप ऊपर से गुजर जाएगा, उसी तरह कोरोना में हम ज्यादा ना कहीं पर मूवमेंट करें, जहाँ ठहर जाएंगे तो ये भी समय चला जाएगा और कोरोना भी चला जाएगा। तो कोरोना वो तीर हुआ, अश्वत्थामा वाला तीर, अश्वत्थामा वाला तीर कोरोना का, प्रकृति के साथ हमने विद्रोह किया उसके बदले में। अच्छा सविता जी, अब मैं आपसे एक ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो परिप्रेक्ष्य समाज का, इसमें भले ही किताबों में अखबारों में कुछ भी छपता रहे, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, चाहे वो कामकाजी हो या घर का हो, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, कई जगह तो पुरुषों से ज्यादा सफल है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे कहते हुए दिख जाते हैं कि साहब नारियों का उत्पीड़न और फलानी इस तरह की नकारात्मक बातें जो हैं जो नारी का कमजोर पक्ष को प्रस्तुत करती हैं, आपको इस बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि आप भी कामकाजी हैं। मैं ये मानती हूँ कि नारी का नारी तब ही उसे श्रेष्ठ बनाता है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होड़ लगाना की उसको जरूरत नहीं है, वो तो पुरुष से बहुत आगे है, पर पुरुष ऐसा मानता है, इसीलिए जो अहंकारी पुरुष है वो सिर्फ दबाना चाहता है, जो वास्तव में बुद्धिजीवी वो उसका हमेशा सम्मान करता है। जैसे अमृता प्रीतम ने कहा था कि नारी को किस लिए भागना, वो तो आगे है, उसको जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं ये अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत से केस स्वयं भी देखे हैं और कि कई स्टेज पर लाइफ की ये देखा जाता है कि नारी ही नारी की जड़ें काटने की कोशिश करती है, और नारी के अंदर ना कुछ नेगेटिविटी होती है, प्रकृति ने बनाया है उसको, उसमें है। जैसे अब मैं कई बार मेरे दोस्तों के साथ हम घूमने जाते हैं कहीं किसी नदी के किनारे पर, कोई चिड़चिड़ी हो जाती है, कोई खुश हो जाती है, तो मैं उसको समझाती हूँ अलग से, माँ तेरी ऊंचा यहाँ पर इस तरह से गलत दिशा में जा रही है, गुस्सा मत कर, थोड़ी शांत हो, इसको संभाल, तो ये औरत की ऊर्जा होती है, ऊर्जा को कहीं कभी नकारात्मक सकारात्मक कई पक्ष ले लेती है और वो दूसरी को समझ नहीं पाती, बस सिर्फ बुद्धिमत्ता का फर्क है, वो अपने ही नारी तब को नहीं समझ पाती है, वरना पढ़ा लिखा विद्वान होना इसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ज्ञान से ही उसका ज्ञान होगा, एक अनपढ़ स्त्री भी इस नारी तब को समझ सकती है, और इसके साथ सामने से ज्ञान का किताबों से लेना देना नहीं है, ये तो जीवन का अनुभव, वो अनुभव ज्यादा जरूरी है। और तो अब चलते चलते ये अपने हमारे समाज की नारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, नई पीढ़ी जो उभर के आ रही है अभी, बहुत ज्यादा भागत हो रही है अपने नारी तत्व को, क्योंकि नारी श्रेष्ठ है अपने नारी तत्व के कारण, उसके जो नारी के गुण है, मातृत्व के गुण है, वही बने रहने चाहिए। ये समाज ने आज के युग में हमें नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है, पुरुष के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पुरुष सहयोग नहीं करते, वो सम्मान सहयोग कर रहे हैं, पर हम अपने नारी तत्व को न छोड़ें। स्त्री तत्व और नारी तत्व दो चीजें हैं, स्त्री तत्व जरूरी है, वो उसका व्यक्तित्व विकास में सहायक है, पर जो उसकी कोमल भावनाएं है, जो नारी मन है,
वो उसको हमेशा जिंदा रखे और उसके साथ सहजता बनाए रखे और अपने प्रेम को जो उसके अंदर भगवान ने उनसे अधिक दिया है उसको जितना हो सके उतना फैलाए। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, और चाहते हैं कि आपसे शिवलिंग की अगली एक नई पुस्तक के साथ भेंट हो। धन्यवाद, थैंक यू।